खालिस्तानी दहशत गर्दी को लेकर अब कनाडा के बाद अमेरिका ने भी अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा दिया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर अमेरिकी शहरियत वाले खालिस्तानी दहशतगर्द के कत्ल की साजिश का बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें दावा किया गया कि न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान ने अलग सिख रियासत की मांग करने वाले हिंदू नजाद अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश की थी। इल्जाम है कि निखिल गुप्ता ने हिंदुस्तानी सरकारी मुलाजिम के साथ मिलकर ये साजिश की थी। खालिस्तानी दहशतगर्द का कत्ल करने की डील $1,00,000 में हुई थी, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने सही वक्त पर इस साजिश को नाकाम करते हुए 30 जून को मुलजिम निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। जिस खालिस्तानी दहशतगर्द को लेकर अमेरिका हिंदुस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान में कई FIR दर्ज है। दहशत पर समझौता न कराने का दावा करने वाली अमेरिका भी खालिस्तानियों पर दोहरा रवैया अपना रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिकेड्स से, दसियों सालों से आतंक के मामले को लेकर के अमेरिका और यूरोप के जो विचार हैं वो अलग रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। भारत 30-40 साल से बार बार कहता है आतंक के मुद्दे को लेकर के अमेरिका और यूरोप एक अलग ही नजर से देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं विदाउट डाउट। अमेरिका ने पूरे मामले की जानकारी हिंदुस्तानी सरकार को दी, जिस पर वजारत खारजा ने अपना रद्दअमल दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को खालिस्तानी दहशतगर्द पर हमले की कोशिश से जुड़ी कुछ जानकारी दी, जिसकी जांच के लिए 18 नवंबर को ही जांच कमेटी बना दी गई है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये इनपुट ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम, हथियारों के स्मगलर और दहशतगर्दों के बीच मिली भगत को लेकर है। इन जानकारियों को हिंदुस्तान भी संजीदगी से ले रहा है, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। खारजा मामलों के जानकार भी मान रहे हैं कि दहशतगर्द और खालिस्तान के मुद्दों पर जहां हिंदुस्तान का रुख सख्त है, वहीं अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक का रवैया उतना सख्त नहीं है। अमेरिका और कनाडा, इन देशों ने जिस हिसाब से, जिस सीरियसनेस से खालिस्तान के मुद्दे को देखा है और भारत की जो चिंताएं हैं आतंक को लेके उनको देखा है, उसमें डेफिनेटली बहुत ही कमी रही है। अमेरिका में खालिस्तानी दहशतगर्दों को हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी की छूट मिली हुई है। अमेरिका का ही एक थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट अपनी एक रिपोर्ट में खालिस्तानियों पर बड़ा इंकशाफ कर चुका है। रिपोर्ट में अमेरिका में रहने वाले 55 कश्मीरी और खालिस्तानी तंजीमों को ऑपरेट करने का दावा किया गया। बताया गया कि इन तंजीमों को पाकिस्तान से फंडिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और हिमायत मिल रही है, और हिंदुस्तान में हमला करने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों से भी इनका कनेक्शन है। अमेरिका में तैयार हुई इस रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि हिंदुस्तान से खुफिया जानकारी के बावजूद भी अमेरिका ने एक्शन नहीं लिया है, और इसकी वजह है अमेरिकी सेना को 9/11 के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान से मिली मदद। दावा ये भी है कि कश्मीर और खालिस्तान के एंटी इंडिया ग्रुप मिलकर हिंदुस्तान अमेरिका की दोस्ती को कमजोर करना चाहते हैं, यानी खालिस्तानी अमेरिका में रहकर उसी मुल्क को टारगेट भी कर रहे हैं। अमेरिका जब तक वो ढूंढना नहीं शुरू करेगा और अपनी लोकल इंटेलिजेंस को अपने शहरों में, खास करके इन गुरुद्वारों के आसपास समझने के लिए कि फ्यूचर का आतंकी कौन ज्यादा वायलेंट हो सकता है, तब तक अमेरिका को एक खतरा बनता रहेगा। अमेरिका से पहले कनाडा ने हिंदुस्तान पर एक खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों में दरार आ गई थी। अब अमेरिका भी कनाडा की राह पर चल रहा है। सवाल ये है कि अमेरिका के हिंदुस्तान पर लगाए इन बेबुनियाद इल्जाम के बाद क्या दोनों के रिश्तों में खटास आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।